मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज विनोद कुमार वर्मा। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सीखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखा था। चलिए पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन, लिखते हैं डेफिनेशन। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? देखिए, फॉर्म ऑफ भाग दैट शोज, अ फॉर्म ऑफ भाग दैट शोज एन एक्टिविटी, अ फॉर्म ऑफ भाग दैट शोज एन एक्टिविटी गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। Present continuous tense. देखिए क्या कहता है, a form of verb that shows an activity going on at the time of speaking is called present continuous tense. यानी कि क्रिया का वह रूप जो दिखाता है कि कोई काम कब हो रहा है। दैट मीन्स अगर काम हमारे बोलते वक्त हो रहा है तो वैसे वर्ब को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होना समझा जाता है। दैट मीन्स हम बोल रहे हैं और उसी समय कोई काम हो रहा है। जैसे हम अगर ऐसा कहते हैं कि ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। दैट मीन्स अगर वो पढ़ रहा है तो हम क्या कहेंगे उसे, ही इज रीडिंग। मीन्स काम जो है हमारे बोलते वक्त हो रहा है। वी आर वाटरिंग द प्लांट्स, अगर हम पौधों को पानी दे रहे होते हैं और कोई आके हमसे अगर पूछता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, वी आर वाटरिंग द प्लांट्स, हम लोग पौधों को पानी दे रहे हैं। अगर हम कहीं जा रहे होते हैं तो क्या कहेंगे, वी आर गोइंग। अगर हमसे पूछा जाए, वी आर रीडिंग, वी आर राइटिंग, वी आर प्लेइंग, वी आर सिंगिंग, कोई भी चीज कुछ भी बोल सकते हो आप। दैट मीन्स कि वो सिर्फ होना चाहिए कि काम बोलते वक्त वो जारी होना चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए सीखते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोगेटिव का क्या होता है और इंट्रोनेगेटिव का क्या होता है। अगर सबका स्ट्रक्चर और एक एक सेंटेंस हमें याद रहेगा तो हम किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस को, दैट मीन्स ये इस टेंस में जो लाई करता है उसे हम बना सकते हैं, आसान से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का देखिए स्ट्रक्चर, सबसे पहले लिखते हैं स्ट्रक्चर। देखिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब इज आर एम, तीनों में से कोई एक प्रयोग करना है, ध्यान दें सब्जेक्ट के अनुसार, जैसा सब्जेक्ट है उसके अनुसार। अभी बताता हूँ कि कैसे यूज होगा। आप उसके बाद एम वी फोर लिख सकते हैं, मैन वर्ब का फोर या वी फोर सिंपली को लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, है ना। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट अगर सेंटेंस में है तो उसे हम जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख सकते हैं। फिलहाल मैं इतना लिखता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। सी इज plucking the flowers। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया, सी इज प्लकिंग द फ्लावर्स, मीनिंग क्या हुआ कि वह फूल तोड़ रही है। दैट मीन्स हम देख रहे हैं कि वो फूल तोड़ रही है, मीन्स वो काम बोलते वक्त जा रही है, हम बोल रहे हैं और वो काम हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करके बनाएंगे। ओके, अब चलिए लेते हैं दूसरा, इसका लिखते हैं नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लिखते हैं सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद
इज आर एम, इज आर एम एक्सिलरी वर्ब प्रयोग किया, उसके बाद इसमें करना क्या है आपको, नेगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे हम वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। नाउ यू कैन राइट एग्जांपल हियर, अब एग्जांपल इसका लिखिए, आप इसे भी नेगेटिव बना सकते हैं या कुछ भी दे सकते हैं, जैसे लिखते हैं आई एम नॉट सॉन्गिंग द सन, दैट मीन्स मैं हिसाब नहीं बना रहा, मैं हिसाब हल नहीं कर रहा, तो ये आपका एग्जांपल हो गया। देखिए इसमें क्या है, या कुछ भी सेंटेंस यूज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ध्यान ये है कि एक्सलेंट वर्ब का प्रयोग क्या किसके साथ क्या होता है। इसको आई के साथ आपको एक्सलेंट वर्ब एम का प्रयोग करना है, आई के साथ, उसके बाद अगर सब्जेक्ट ही रहे, सी रहे, इट रहे और कोई सिंगुलर नाउन रहे, तो आपको इन सब के साथ सब्जेक्ट अगर ये सब मिल जाए तो किसका प्रयोग करना है। उसके बाद अगर दे मिल जाता है, यू मिल जाता है, वी और प्लूरल नाउन, तो यहां से समझिए ये आपका जो है आर का प्रयोग होगा, ओके। एक्सिलरी वर्ब आर का प्रयोग करेंगे और मैम वर्ब तो बताएंगे उसे यूज करेंगे, ये अगर ये आप याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम। सिंगुलर और प्लूरल याद रखना है कि सिंगुलर किसे कहते हैं, दैट मीन सिंगुलर मीन्स कोई भी वन, वन एक होगा तो वो होगा आपका सिंगुलर, और एक से ज्यादा मोर देन वन दैट मीन्स वो प्लूरल में चला जाएगा, दैट मीन्स वी विल हैव टू यूज प्लूरल एक्सिलरी वर्ब, दैट मीन्स आर, आर को यूज करना होगा उस समय। तो चलिए अब देखते हैं आगे, इसके बाद क्या होगा, नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव, तो चलिए इसे मिटा देते हैं। अब फिर मेटी नेगेटिव, अब होगा आपका इंट्रोगेटिव, तो देखिए आई यू टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई वी टी, जो हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स यानी कि जो हम प्रश्न पूछने के लिए यूज करते हैं, इससे क्या होता है कि हम सवाल पूछते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वही अर्थ होता है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले क्या करना होगा आपको, एक्सिलरी वर्ब पहले लिखना होगा, इज आर एम, और एक चीज ध्यान रहे इसमें सब शुरू वाला जो होगा वो लेटर कैपिटल होगा। अब यहां से क्या करते हैं, सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके जस्ट बाद एम वी फोर यानी वी फोर प्लस आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है, क्वेश्चन मार्क डाल देना है। अब देखिए लेते हैं इसका, चलिए एग्जाम्पल क्या होगा इसका, कोई भी दे सकते हैं किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आर यू गोइंग टू हेल्प मी, दैट मीन्स क्या तुम मेरी मदद करने वाले हो, ऐसा, या आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर यू प्लेइंग, आर यू रीडिंग, आर यू राइटिंग, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, अब इंट्रोगेटिव, अब लिखते हैं इंट्रोनेगेटिव, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, आप यहां तक भी इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखते हैं इसका एग्जांपल, ईच ही, सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखना था ना, स्ट्रक्चर तो हमने लिखी, देखिए इसको स्ट्रक्चर पर सब्जेक्ट इज आर कर लीजिए, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस आपको यहाँ क्या करना है, नॉट नेगेटिव और नॉट का प्रयोग करना है क्योंकि ये इंट्रो नेगेटिव है। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे भाग का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद आप लिख दीजिए ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वहाँ करना है, ठीक है। अब लिखते हैं इसका एग्जाम्पल, इज ही नॉट, इज ही नॉट, इज ही नॉट राइटिंग द नॉवेल, क्वेश्चन क्या वो नॉवेल नहीं लिख रहा था, ये हो गया आपका
इंट्रोडक्टरी, यानी इसका चारों हो गया। अब देखिए अगर इसमें आपको डब्ल्यू वर्ड से रिलेटेड अगर सवाल आ जाए तो क्या करना है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, इसे भी आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे डब्ल्यू वाई वैन वेयर ये सब वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए आपको समझना है, मान लीजिए हम कोई वाई से बनाते हैं, वाई आर यू, वाई आर यू प्ले, सिंपली देखिए वाई आर यू प्ले, आप क्यों खेल रहे हो, तुम क्यों खेल रहे हो, ऐसा बोलेंगे। तो देखिए इस तरह का सेंटेंस जो आएगा ऑब्जेक्ट रहेगा तो उधर डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल मैंने ऑब्जेक्ट इसमें नहीं लिया। तो क्या करते हैं इसमें वाई, देखिए डब्ल्यू एच वर्ड ये है वाई, वेन वेयर कुछ भी रहेगा यहाँ डालेंगे, उसके जस्ट बाद याद रखिएगा यहाँ क्या करना है, एक्सिलरी वर्ब लगाना, दैट इज इज आर एम, तीनों में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद अगर कुछ है कॉम्प्लीमेंट उसे लिख दीजिए, उसके बाद देखिए इसका अगर नेगेटिव फॉर्म बनाना इसे भी बना सकते हैं। देखिए why is he not doing his homework, इसको शॉर्ट में लिखिए, why is he not doing his homework, कि वह अपना homework क्यों नहीं कर रहा है, why is he not doing his homework। तो ये हो गया आपका interrogative word, that means WH word यूज करके सेंटेंस तो बना दिए। अब इस आधार पर आप किसी भी प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं अफर्मेटिव इस तरह का, बस आपको याद रखना इसका स्ट्रक्चर दोनों का, कि नेगेटिव वाला सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है, और इसमें एक्सिलरी वर्ब ये ध्यान रखना है कि डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद जो है हम क्या करते हैं एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।